हेलो एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल फोटो फैक्ट्री। टुडे आई एम एट हजारीबाग बड़कागांव, अगेन इन द बड़कागांव, जहां पर मैं आपको कोयला खदान का दर्शन कराता हूं, या कोयला खदान के बारे में जो एक वीडियो बनाया हूं वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं। और अभी मैं उसी गाँव में हूं, बट दूसरे छोर तरफ, यानी दूसरे तरफ। तो यहां पर मैं झारखंड का प्रकृति को दिखाने के लिए मैं काफ़ी तात्पर्य रहता हूं, प्रकृति यानी कि उसके ब्यूटी को। तो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो है इसके बारे में, गन्ना खेत के बारे में। गन्ना बोते हुए मैंने दिखाया, गन्ना का जूस कैसे निकाला जाता है वो दिखाया, गन्ना का गुड़ कैसे बनाया जाता है वो मैंने अपने YouTube चैनल में बताया है। आज मैं गन्ने के खेत में हूँ, मेरे चारों तरफ झारखंड में हूँ, और झारखंड में मेरे चारों तरफ कई बार वैसा वीडियो बनाया हूँ जिसमें मेरे चारों तरफ जो है पहाड़ रहते हैं, पर अभी जहाँ पर हूँ यहाँ पर मेरे चारों तरफ गन्ना खेत दिखेगा। यानी कि देखिए, चारों तरफ मैं कैमरा घुमा रहा हूँ और यहाँ पर आपको गन्ना ही गन्ना देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये गन्ना 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 गन्ना, यानी कि कतारी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कतारी का पेड़ है, और कतारी का हाइट और मोटाई मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये थोड़ा मोटा वाला कतारी मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, तो यानी कि मेरा हाइट है 5'6" 7" है, और आप देख सकते हैं गन्ना का हाइट इस तरीके से है। तो इतना हाइट है ये अटेंड कर लेता है एक साल के अंदर में, यानी कि एक महीना में, एक साल के अंदर में ये हार्वेस्ट के लायक बनता है। और ये लोग उसको हार्वेस्ट करके या तो बाज़ार में बेच देते हैं इसको, और या तो फिर उसको गुड़ बनाते हैं। गुड़ बनाने का आपको बताया है, और इसी वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में गुड़ बनाने का वाला, गुड़ बनाने का जो विधि है या प्रोसेस है वो देसी स्टाइल में, उसको मैं उसके लिंक को डाल दूँगा। इस वीडियो को मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और 2 मिनट का वीडियो काफ़ी छोटा है और देखने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए आप लोगों को। या और मैं इसलिए भी निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम, मेरे लिए निकलना इतना आसान नहीं होगा रास्ते मेन रोड में जाने के लिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ से चल गए हैं। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कोई नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ से अभी अब निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं फंस सकता हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, राइट अ कमेंट, शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ।